तो गाइस आईपीएल 2023 का लगभग सभी टीम ने जो है टिकट ओपन कर दिया एंड मैक्सिमम टिकट ओपन कर दिया, बट एक टीम अभी भी बचा हुआ जिसने अपना एक टिकट छोड़ के बाकी कोई भी टिकट अभी तक ओपन नहीं किया, वो है CSK। बट गाइस यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ, अगर आप CSK का होम ग्राउंड में मैच देखना चाहते हो तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, कल सुबह में 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपको टिकट ओपन होगा। 12 अप्रैल का मैच 7:30 बजे जो राजस्थान रॉयल्स के साथ है, CSK का होम ग्राउंड में देख सकते हो। बट गाइस यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, आपको जो है सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी देके साइन अप करना पड़ेगा, मेल फीमेल। जैसे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर होके रखा है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। एंड कल 9 तारीख को जो है 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आपको टिकट ओपन होगा 12 तारीख 12 अप्रैल का मैच को, एंड आपको यहाँ पे टिकट बुकिंग का मौका मिलेगा। CSK का जो वेबसाइट है उसमें जाके chennaisuperkings.com इसका वेबसाइट में जाके साइन अप कर लेना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि अर्ली एक्सेस फॉर वेब यूजर, एंड 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर सुबह आपको टिकट ओपन होगा आधा घंटे के लिए, पेटीएम में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड सबसे पहले आपको CSK का वेबसाइट में जाके चेक करना है, एंड उसके बाद आपको पेटीएम इंसाइडर में जाके चेकआउट करना है। तो नेक्स्ट जो बहुत बड़ा अपडेट है आपको बुक माई शो में, यहाँ पे KKR के जो CSK के साथ जो मैच है अभी जस्ट 1-2 टिकट ओपन हुआ ऑनलाइन पे, अगर आप बुक करना चाहते हो यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चेन्नई सुपर किंग के साथ जो KKR का ईडन गार्डन पे मैच है 23 अप्रैल, तो यहाँ पे कुछ 2-4 सीट लिमिटेड सीट अवेलेबल है, आप चाहो तो बुक कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक कर लूँगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे 1,000 और 5,000 रुपीज का टिकट अभी फिलहाल अवेलेबल है, अगर आपको मिल रहा है तो आपको बुक कर लेना है, तो देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना है क्योंकि अभी जो है कुछ सीट अवेलेबल होगा ऑनलाइन पे, एंड आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे KKR का होम ग्राउंड में बाकी जो टीम का टिकट अभी अवेलेबल है, तो आप 750 रुपये से टिकट बुक कर सकते हो। एंड CSK का टिकट जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा ऑफलाइन पे भी अवेलेबल होगा, आपको 19-20 तारीख को जाके बॉक्स ऑफिस मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में जाके चेकआउट कर लेना है। तो RR का देख लेते हैं, यहाँ पे RR का जो टिकट ओपन हुआ था वही अभी तक कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया। अब मुंबई इंडियंस का जो पहले टिकट ओपन हुआ था अभी भी वही है, एंड जो मैच अभी आने वाला है अपकमिंग उसी का टिकट अभी मिलेगा, बट इसका जो प्राइस है बहुत हाई है, आप चाहो तो बुक कर सकते हो वानखेड़े स्टेडियम में, एंड यहाँ पे भी कुछ सीट अवेलेबल होगा, एंड यहाँ पे भी हाई रेंज वाला टिकट अवेलेबल होगा, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पेटीएम इंसाइडर पे, लाइव स्क्रीनिंग का बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। जो हैदराबाद GT का मैच अवेलेबल था कल, मैं अपडेट दिया था पंजाब दिल्ली LSG, एंड लास्ट में यहाँ पे दिल्ली का 3 मैच ओपन हुआ था, वही अपडेट है अभी तक, कोई भी नया अपडेट नहीं है, सभी का जो होम ग्राउंड में होने वाला है। तो अपडेट यही है सबसे बड़ा कि कल सुबह 9:30 बजे यानी कि 9 तारीख को 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपको CSK का टिकट मिलेगा, 12 तारीख का जो मैच का आप चाहो तो बुक कर सकते हो होम ग्राउंड में, एंड आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ेगा। एंड KKR का जैसे बताया कि CSK का टिकट अभी ओपन होगा बट कुछ लिमिटेड सीट ओपन होगा, आपको यहाँ पे बुक कर लेना अगर आप बुक करना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।